क्या बगैर पाकिस्तान को लाए, क्योंकि हम जानते हैं सार्क के अवसान की, सार्क के ढलान की एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान, सार्क बिकेम होस्टेज टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, तो क्या बगैर पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लाए हम सार्क को रिवाइव कर सकते हैं? क्या साउथ एशिया का भविष्य क्या है, आप क्या किस तरह देखते हैं? अगर साउथ एशिया में इंडिया ने बिग बॉस प्ले करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, उस तरह से साउथ एशिया खत्म है। श्रीलंका में हुआ और उसका जो इमीडिएटली जो उसके दो साल बाद जो बांग्लादेश में हो रहा है, मेरे को लगता है इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो इन सेंस के कि लोग एक दूसरे से सीख भी रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम सत्ता बदल सकते हैं, हम एक अथॉरिटेरियन रूलर को हम पावर से निकाल सकते हैं अपने ही पावर से। लगता तो यही है कि तालिबान अफगानिस्तान का भविष्य है। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी खत्म हो गई है अशुर, आई थिंक दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमने अपने जो अंग्रेजी में कहते हैं कि सारे एग्स एक ही बास्केट में रख दिए शेख अवामी लीग की, और हमने बांग्लादेश का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, जो उनके एकेडमिक्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको हमने सिरे से नजरअंदाज कर दिया। अगर हमने उन पर ध्यान दिया होता तो ये स्थिति नहीं आई होती, और ये और जगहों के बारे में भी सच है, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं। वायर संवाद के संघ में आपका स्वागत है। आज हम भारत के पड़ोसी देशों की आंतरिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों में हिंसक तख्तापलट हुए हैं, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बीच में ही अपदस्थ कर दिया गया। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की हुकूमत अपने हाथ में ले ली थी, उसके बाद म्यांमार में तख्तापलट हुआ, अगले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटा दिया गया, 2022 में ही श्रीलंका में भी तख्ता पलट हुआ, और अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जनता के भीषण विद्रोह के बाद देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इन घटनाओं का भारत और दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन हिंसक घटनाओं से भारत क्या सबक ले सकता है? क्या भारत को अपनी विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है? इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यन, जो उन विरली पत्रकारों में से हैं जिन्होंने भारत के पड़ोसी देशों में रहकर रिपोर्टिंग की है। वे कोलंबो और इस्लामाबाद की कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुकी हैं। निरुपमा, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आशुतोष। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में दक्षिण एशिया में जो हुआ है, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक, क्या वह कोई संयोग है या इनके बीच कोई धागा है, कोई तारतम्य है, कोई लिंक है, कोई कड़ी है? क्या हम किसी ऐसे दौर में हैं जहां ये हिंसक तख्ता पलट होने ही थे, अनिवार्य हो गए थे? आप एक जनरली आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोई ग्लोबल ट्रेंड है वो है कनेक्टिविटी, जो लोग एक दूसरे के पॉलिटिक्स से सीख रहे हैं, उनको अब ज़्यादा जानकारी है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब मीडिया से लोगों को पता चल रहा है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। फॉर इंस्टेंस जो श्रीलंका में हुआ और उसका जो इमीडिएटली जो उसके 2 साल बाद जो बांग्लादेश में हो रहा है, मेरे को लगता है इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो इन अ सेंस के लोग एक दूसरे से सीख भी रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम सत्ता बदल सकते हैं, हम एक अथॉरिटेरियन रूलर को हम पावर से निकाल सकते हैं अपने ही पावर से। दूसरी बात तो ये है कि पूरे देश में एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है, जो हमने पोस्ट कोविड देखा है कि रूलर्स जो हैं वो ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब पूरे वर्ल्ड में ये है, अमेरिका से लेके चाइना तक, और बीच में जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, हंगरी है फॉर इंस्टेंस, या इटली है, और यू नो हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में हमारा भी एक डेमोक्रेसी डेफिसिट चलता आ रहा है फॉर पिछले
10 साल से, और सब जगह एक टेंडेंसी है कि लोगों को कैसे कंट्रोल करें। तो ये जो दोनों दोनों थ्रेड्स हैं वो आपस में कभी मिलते हैं कभी टकराते हैं, क्योंकि जो अथॉरिटेरियन रूलर्स हैं वो सोशल मीडिया को यूज़ भी करते हैं और जो लोग हैं वो सोशल मीडिया से सीख भी रहे हैं। सो एक तरह से ये कोलिजन भी है और एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी भी है। तो ये सब मिलके आई थिंक एक्सप्लोर हो रहा है। और जो आर्थिक स्थितियां हैं लोगों की पोस्ट कोविड में, और जिस तरह से एक डिफ़िकल्टीज आई हैं बहुत सोसाइटीज़ में, जस्ट आफ्टर यूक्रेन वॉर ऑल्सो एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हो ही नहीं पाई आफ्टर कोविड, क्योंकि आफ्टर कोविड इमीडिएटली रशियाज वॉर इन यूक्रेन जो उन्होंने चलाया, वो रशिया ने चलाया, उसके 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 कारण सबकी इकोनॉमीज एक तरह से बैठ गई ग्लोबल साउथ में। तो ये सब को लेके आप कह सकते हैं कि ग्लोबल टेंस है, बट हर कंट्री के अपने 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 मुद्दे भी हैं। जैसे श्रीलंका में एक कंप्लीट इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो एक अथॉरिटेरियन रूलर समझ ही नहीं पाया, मतलब उसकी समझ में था ही नहीं, उसकी कॉम्पिटेंस ही नहीं थी कि वो कैसे उसको ठीक करे। पाकिस्तान में अगर आप कह लें तो वहाँ पे इमरान खान जो जो एक सीन एज अ डेमोक्रेट, वो आपको लगता है कि वो आर्मी के खिलाफ उन्होंने एक रिबेलियन चलाया, जो कोई पिछले कितने ही सालों में कोई पाकिस्तान का कोई रूलर इतने पॉपुलर सपोर्ट के साथ कोई नहीं चला पाया। मतलब जब जब भी जैसे नवाज शरीफ ने कहा कि मैं आर्मी के खिलाफ हूँ तो लोग ही उनके खिलाफ हो गए। मतलब जब नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने हटाया लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, पर विद इमरान खान द ऑपोजिट हैपन। पर इमरान खान और आर्मी के अगर डायनामिक्स आप समझें तो आप ये भी जानेंगे कि इमरान खान की लड़ाई सिर्फ एक जनरल के अगेंस्ट थी, वो डेमोक्रेसी जो हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए थी वो नज़र नहीं आई, क्योंकि ही इज इक्वली क्या कहते हैं, ही इक्वली कंटेंशियस, कि अगर लोग उसके खिलाफ हो जाएं तो वो उनको टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ये उनके स्थितियाँ हैं। आर्मी का जो वहाँ पे रोल हमेशा से रहा है वो पाकिस्तान का पिक्यूलियर सर्कमस्टांस है। आपने अफगानिस्तान की बात की, वहाँ पे जो तालिबान का टेक ओवर था वो इट इज़ यू कैन कॉल इट अ पीपल्स मूवमेंट, क्योंकि वो पश्तून लोग सारे तालिबान के साथ आइडेंटिफाई करते हैं इन दैट सेंस, बट इट वॉज ऑल्सो एन आर्म्ड रिवोल्ट, इट वॉज नॉट अ पीपल्स रिवोल्ट इन द सेंस कि हर कोई बंदा गन लेके नहीं घूम रहा था, सिर्फ तालिबान। और तालिबान ने ऐसा ऐसा एक ऑफेंसिव माउंट किया लास्ट डेज में, जो अब तीन साल हो गए आशुतोष उसके लिए, 15 अगस्त को काबुल में उन्होंने टेक ओवर किया तालिबान का टेक ओवर किया। महीने से वो जुलाई से उनका ऑफेंसिव शुरू हो गया था, जैसे ही उनको पता चला कि अमरीकी फोर्सेस हट रहे हैं और उनको प्रेसिडेंट जो बाइडन ने विड्रॉ कर दिया था, जैसे ही उनको पता चला उनकी उनके फोर्सेस और बुलंद हो गए और उनका मोराल हो गया और वो चलते गए, और उसमें पाकिस्तान का भी हाथ था, पाकिस्तान आईएसआई का भी हाथ था, और इनफैक्ट जो अभी आईएसआई के फॉर्मर आईएसआई के चीफ थे फैज़ हमीद, जिनको अरेस्ट किया है, वो उस टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान के काबुल के एक बड़े फाइव होटल में नज़र आए चाय पीते हुए, और जब लोगों ने उनसे पूछा कि अब तालिबान ने टेक ओवर किया है अब क्या होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा, नॉट टू वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। तो वो मुझे याद है कि हामिद गुल ने कहा था, फॉर्मर आईएस, 10 साल पहले कह दिया कि तालिबान ही भविष्य है, करेक्ट, वही अमेरिका को हराएगा। अभी लगता तो यही है कि तालिबान अफगानिस्तान का भविष्य है जी। और इमरान खान ने उस टाइम कहा था कि ये तालिबान के टेक ओवर से लोगों ने अपने जो ये आप हिंदी में इसका अनुवाद बेटर कर पाएंगे मेरे से, तो उन्होंने कहा कि दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, जी जी, जब तालिबान गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने, करेक्ट करेक्ट। मैं बांग्लादेश पर आता हूँ निरुपमा, मुझे बांग्लादेश पर आता हूँ।
आप ये देखें कि बांग्लादेश में भारत की बहुत गहरी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है, हमारा एक हाई कमीशन है, इसके अलावा 4 हमारे काउंसिल जनरल्स भी हैं और बहुत सारा तंत्र हमारा फैला हुआ है। मुझे याद आता है 71 से पहले जब अमेरिका के डिप्लोमेट, जिनका गैरी बास ने अपनी किताब में बहुत अच्छा जिक्र किया उस पूरे उस एपिसोड का, वो यहाँ से डिप्लोमेटिक केबल्स भेज रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान जिस तरह से एट्रोसिटीज कर रहा है उस पर तुरंत कुछ कदम लेना चाहिए, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन और उनके एडवाइजर हेनरी किसिंजर, हम जानते हैं कि इसको अनदेखा करते रहे। मैं यहाँ आपको लाना चाहूंगा, हमारी एजेंसीज ढाका और बांग्लादेश से हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को आखिर क्या चीजें भेज रही थी, और आखिर क्यों भारत समय रहते सचेत नहीं हुआ, क्यों हमने बांग्लादेश को इस स्थिति में आने दिया, आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? तो मेरा ये मेरी समझ में ये नहीं कि उनको पता ही नहीं था, मतलब ये तो खुले आम ही, अगर मुझे और आपको पता था इसके बारे में तो सभी को पता होगा, एंड इट इज इम्पॉसिबल कि जो भारत का जो हाई कमीशन है और उस जो ऑफिशियल्स हैं, भारतीय ऑफिशियल्स डिप्लोमेट्स हैं और बाकी इतने ऑफिशियल्स हैं पूरे, जैसे आपने कहा बांग्लादेश में फैले हुए हैं, उनको तो ज़रूर पता होगा, पर उनको शायद ये लगा कि हसीना इसको काबू में ले आएगी, कि ये जैसे उसने पिछले 10-15 सालों में किया है, कि जैसे ही कुछ वैसे वहाँ पे बांग्लादेश में मुझे कहना चाहिए कि ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं वो बहुत आम थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब 2000 से जो भी पॉलिटिकल मुद्दा या कोई भी मुद्दा हो तो वो लोग सड़कों पे उतर आते हैं, मतलब इंडिया जैसे नहीं है जहाँ पे जैसे प्रोटेस्ट है बिल्कुल डाइड डाउन, वहाँ पे प्रोटेस्ट एकदम से लोग आ जाते हैं और हर मुद्दे पे उनका एक प्रोटेस्ट ही चलता रहता है, और ये पॉलिटिकली बहुत चार्ज प्रोटेस्ट होते हैं। तो जैसे शेख हसीना ने पिछले 15 साल में इन प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट को काबू में ले आई, उनको शायद भारतीयों को ये लगा कि इस बार भी ऐसे ही चलेगा। पर इसमें बताए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आशुतोष ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, मेरे को लगता है जो उनकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ड्रिवन पॉलिसी है, सिक्योरिटी है बिल्कुल इसमें, नेबरहुड में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में जिसका कंपोनेंट है वो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी ड्रिवन पॉलिसी में लोगों के लिए जगह नहीं है। मतलब जिस कंटेम्प्ट से इंडियन गवर्नमेंट ट्रीट्स यहाँ के जो सिविल सोसाइटी एनजीओस और मीडिया को ट्रीट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स, वैसे ही वो नेबरहुड के लोगों को ट्रीट करते हैं, वो जो सिविल सोसाइटी और मीडिया के साथ कोई इंटरफेस है ही नहीं आई थिंक, क्योंकि देखो आई मीन इवन बिफोर अर्लियर आई थिंक देयर वाज आई एम नॉट जस्ट 10 years बट बिफोर दैट आल्सो, आप कब मतलब आपको अगर रिकॉल करें तो कब था कि एक कोई भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जाए किसी देश में और वहाँ पे कोई एक इंटरव्यू दे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? शायद मेरे को लगता है नटवर सिंह का था लास्ट पाकिस्तान में, जब वो गए थे वहाँ पे वो आई थिंक सोशल सेटिंग में किसी हाई कमिश्नर के घर पे या कहीं पे जो पार्टी थी तब वहाँ जर्नलिस्ट से मिले, पर कोई फॉर्मल कोई सेटिंग में नहीं है, ऐसी इंटरेक्शंस नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च की थी 2014 में, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, वो सिक्योरिटी ड्रिवन रही है, उसने जनता आवाम से संवाद करने की कोशिश नहीं की है। तो हाँ, उसका मेरे को लगता है उसका जो नेबरहुड फर्स्ट है वो एक्चुअली इंडिया फर्स्ट है, मतलब इंडिया सिक्योरिटी फर्स्ट, और इसमें आप मतलब आप बहुत सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, हमने श्रीलंका में $4 बिलियन दिए हैं जो वेरी क्विकली, मतलब इसको तो बहुत महीना लग जाता है इतने बड़े अमाउंट को, पर इंडिया ने बहुत फास्ट ट्रैक करके श्रीलंका को दिया, ठीक है वो तो एक बहुत अच्छा काम था एंड दे डिड इट, बट इट वाज आल्सो अबाउट इंडियन इंटरेस्ट्स, दैट इज ट्रू, एवरी फॉरेन पॉलिसी मस्ट हैव इंडियन इंटरेस्ट्स एट हार्ट,
मेरा ये कहना है कि इंडियन इंटरेस्ट के लिए भी आपको पीपल के साथ एक इंटरेक्शन रखना ही रखना होता है, एक एक ट्रैक उनका भी जो पीपल टू पीपल है वो भी होना चाहिए। जैसे सिविल सोसाइटी, हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी खत्म हो गई है आशुतोष, पर इन कंट्रीज में खास करके बांग्लादेश में एनजीओज ही बहुत सारा काम करते हैं गवर्नमेंट का, जो आप लिटरेसी कर लो या जो मैटर्नल हेल्थ कह लो या इन्फेंट मोर्टैलिटी, जो भी आप कहते हो ना कि बांग्लादेश की जो ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट एनजीओज का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है, सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं थी एक टाइम पे और अब भी शायद नहीं है कि दे वर ऑल्सो आउटसोर्सिंग अ लॉट ऑफ वर्क टू द एनजीओज। सो इन दीज कंट्रीज, वेदर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान इवन और एनी वेयर, मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सिविल सोसाइटी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। और हमने उनके साथ एंगेज नहीं किया उसके सिविल सोसाइटी के साथ, किया भी तो नाम के वास्ते कर रहे हैं कभी कुछ कभी कुछ, बट जो होना चाहिए एक जैसे पहले होते थे कि सिविल सोसाइटी को बुलाया जाता था इंडिया में, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब सेमिनार्स होते थे, लोग आते थे, वो सब अब बहुत ही कम हो गया है और इट इज़ थ्रू थिंक टैंक्स, इट्स थ्रू जैसे रायसीना डायलॉग में सिविल सोसाइटी तो नहीं आते, वहाँ पे मंत्री लोग आते हैं या कभी कोई और थिंक टैंक्स आते हैं, स्ट्रेटेजिक वाले ORF या वो भी गिने चुने आते हैं। मतलब आप देखिए साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है, हमने बहुत अच्छा एक आइडिया था, SART का आइडिया था, वो यहाँ पे सेटअप किया दिल्ली में, ठीक है, और उसका MEA का ही मतलब इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द फंडिंग, पर उसको यूनिवर्सिटी के तरह नहीं देखते, उसको यूनिवर्सिटी के नज़र से नहीं देखते हम लोग, उसको इंडियन गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग दैट एज एन एक्सटेंशन ऑफ MEA। अब देखो पीछे जो हुआ वहाँ पे कि किसी PhD स्टूडेंट ने अपने PhD के प्रपोजल में नोम चॉम्स्की का एक क्रिटिसिज्म था, उसमें जो वो श्रीलंकन एकेडमिक थे उसमें प्रोफेसर ससांका परेरा, वो जाने माने सोशियोलॉजिस्ट हैं श्रीलंका में, वो उनका वो सिविल सोसाइटी के बहुत बड़े एमिनेंट पर्सन हैं उसमें, उनके खिलाफ आपने इंक्वायरी शुरू कर दी। तो ये क्या बात हुई कि आप वहाँ के एकेडेमिया को आप अपने जो आप हमारे यहाँ तो सबको आप काबू में ले आए कि हर जगह यू नो एकेडेमिक्स आप सबको वहाँ पे जाना है और इधर ये करना है और ये वाला ये बिना इसके कुछ नहीं, मतलब हजार रूल्स, इवन इन JNU सो मेनी रूल्स, सो इवन इन DU ऑल दीज आर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, ना सिर्फ हम एंगेज नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ की वॉइसेस हैं उनको भी हम ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आप उनको यहाँ बुला रहे हो और आप उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हो। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मोहम्मद यूनिस को, अभी हम वहाँ के केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ हैं, जो उसको हम प्रो अमेरिका कह रहे हैं, प्रो US कह कर रहे हैं, क्यों, मतलब मेरे को भी समझ नहीं आता हम प्रो अमेरिका करके हम कह भी क्या रहे हैं, क्योंकि हम भी खुद प्रो अमेरिका हो गए है ना, हम भी हम हर रोज कहते हैं कि हमारे रिलेशंस विद अमेरिका आर सो ग्रेट, मोदी हैज गॉन देयर, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गॉन देयर, वहाँ पे उन्होंने यू नो ही हैज एड्रेस द कांग्रेस, सो दिस इज इट्स टू मच, आई मीन व्हाट डू वी वांट यूनिस टू बी, प्रो चाइना, आप कहना क्या चाह रहे हो, या सिर्फ वो उसको प्रो इंडिया एंड इंडिया फ्रेंडली ही अब नेबरहुड के लिए कोई वो हो गया है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ उसका गुडनेस, जैसे मालदीव्स में हम बहुत खुश हैं कि हमने कुछ नहीं कहा, पहले 10 साल पहले जो मालदीव्स और US में 2013 की बात है मेरे ख्याल या 12 की, मालदीव्स और US ने वहाँ पे एक डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट किया, ठीक है, हम यहाँ से शोर मच गया कि US ने कैसे कर दिया, ये तो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब 2019 में आई थिंक उन्होंने वही पैक्ट फिर से किया, ठीक है, मे बी अ स्ट्रॉन्गर पैक्ट, एंड वी डू से एनीथिंग,
और जब मैंने इस पे कुछ पूछताछ की तो मुझे पता चला कि मुझे बताया गया कि अब हमारा इतना वो, हम तो यूएस के साथ हमारा इट्स अ सॉर्ट ऑफ तालमेल बढ़ गया है, पॉलिसी वी हैव अलाइनमेंट मेड है, पॉलिसी अलाइनमेंट है, तो ठीक है अगर वो कर रहे हैं तो हमारे लिए तो ठीक है ना, कि चाइना तो नहीं है ना वो, तो यही तो हमारा होना चाहिए बांग्लादेश में भी। अगर बेचारे उनके वो मोहम्मद यूनस प्रो यूएस हैं तो वी शुड बी सेलिब्रेटिंग, क्योंकि हम भी प्रो यूएस हैं तो हम क्यों चिल्ला रहे हैं। एनीवे दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस होल सिचुएशन। मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा, इससे बताएं हम इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। हम जानते हैं कि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी वो प्रो चाइना कही जाती है और अवामी लीग और शेख हसीना प्रो इंडिया है, लेकिन पिछले 5 सालों में चाइना से जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स हुआ है, बांग्लादेश उसका सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपियंट है पाकिस्तान के बाद चाइना से आर्म्स एक्सपोर्ट्स का। तो बांग्लादेश की भी चाइना से दूरी और चाइना से नजदीकी बढ़ती रही है खुद अवामी लीग और शेख हसीना के कार्यकाल में, इसको आप वो भी आर्म्स डील की, इसे आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो ये इंडिया और शेख हसीना की इतनी प्रॉक्सिमिटी थी कि इंडिया वाज विलिंग, ये एक ही रूलर थी वो शेख हसीना जिनके साथ उन्होंने वो जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, लाल आंख, वो जो मोदी के लिए यूज किया जाता है, मोदी ने चाइना को लाल आंख दिखाई, लाल आंख दिखाई दिखाई या श्रीलंका को लाल आंख दिखा दी, बिकॉज वहां पे एक शिप आया, रनिल विक्रमसिंघे जब ने टेक ओवर किया 22 में, एक शिप आया तो हमने कहा स्पाई शिप है, ये है वो है। तो शेख हसीना सिर्फ एक ही इस पूरे रीजन में है जिनको हमने लाल आंख नहीं दिखाया चाइना को लेके, या नेपाल में करते हैं हम मालदीव्स में किया हमने तो वहाँ पे उनका टूरिज्म बिठा दिया कि अगर आप प्रो चाइना तो हम तो आएंगे ही नहीं वहाँ पे, और हमने श्रीलंका में किया, पर शेख हसीना के साथ नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी थी और इतना ज़्यादा एक तरह से इंडिया का डिपेंडेंस था शेख हसीना में, कि शेख हसीना पे, कि हमने कहा कि ओके वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, एंड इनफैक्ट शी ऑल्सो शी रेसिप्रोकेटेड, शी अंडरस्टूड के सेंसिटिविटीज हैं इंडिया की, पर ये एक ही कंट्री है बांग्लादेश जिसको हम आर्म्स एक्सपोर्ट, एक ही कंट्री करता है रीजन अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान को छोड़ के, एक ही कंट्री है जो आर्म्स इम्पोर्ट करता है चाइना से, ठीक है, और हमने कुछ नहीं कहा, उनका सबमरीन बेस भी है चाइना का बांग्लादेश में, चाइना का हमने कुछ नहीं कहा। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब वो सबमरीन बेस बांग्लादेश के लिए बनाया, बट इट विल बी, आई थिंक देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल बी यूज्ड बाय द चाइनीज आल्सो, सो देयर आर दीज फैक्टर्स, एंड मतलब एक कहा जाता था कि हसीना जानती हैं कि रेड लाइंस क्या हैं, इंडिया की सेंसिटिविटीज क्या हैं। देखिए अभी वो चाइना गई हाल ही में, ठीक है, पर उससे पहले 2 बार वो इंडिया आके गई, वो एक बार तो पहले वो जून 8 को आई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वेरिंग इन, ठीक है, वो जब राष्ट्रपति भवन में, और उसके बिल्कुल 10 दिन के अंदर फिर से आए, और पहली स्टेट गेस्ट थी वो, पहली स्टेट विजिट थी, एंड देन द अदर वाज अ बायलैटरल विजिट, क्योंकि वो जो उस टाइम जो स्वेरिंग इन के टाइम किसी के साथ कोई बायलैटरल बातें नहीं हुई, तो फिर से आई बायलैटरल के लिए, और सम देयर वाज सम अग्रीमेंट्स कंक्लूडेड, एंड देन शी वेंट टू चाइना। तो इनको पता है, सो दैट नो पेपर विल राइट शेख हसीना चूजेस बीजिंग फॉर हर फर्स्ट विजिट अब्रॉड आफ्टर इलेक्शन, ऐसे किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि उनकी इलेक्शन जनवरी में हुई थी और चाइना इंडिया वाज द फर्स्ट विजिट, उसके बाद वो चाइना में, ठीक है। सो इंडिया एंड शेख हसीना एक अंडरस्टैंडिंग था अबाउट सो मेनी थिंग्स, अबाउट इस्लामिक ग्रुप्स वहाँ के, अबाउट इंडिया सिक्योरिटी, मतलब जो
नॉर्थ ईस्ट की जो देखो चाइना बांग्लादेश बीच में है इंडिया के, नहीं बीच में नहीं, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के, सॉरी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल के बीच में है बांग्लादेश, और ऊपर से भी इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे, ठीक है, जिसको चिकन नेक कहा जाता है। एंड देन वेस्ट बंगाल का जो मेन हिस्सा है, एंड देन ऑन द अदर साइड इज नॉर्थ ईस्ट। सो शी अंडरस्टूड इंडियाज सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द नॉर्थ ईस्ट, शी अंडरस्टूड इंडियाज कंसर्न्स वीज़ावी के जो बीएनपी के टाइम पे जो चल रहा था, और इसका मतलब बीएनपी हैज ऑलवेज डिनाइड इट, पर इंडिया का था कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान चला रही है अपने इस्लामिस्ट ग्रुप्स यहाँ पे, और एंड दीज आर बीइंग गिवन प्ले वहाँ पे, बीएनपी इज नॉट डूइंग जो करना चाहिए था, क्लैम्प डाउन करना चाहिए था उन पे, वो नहीं कर रही है। तो एक फीलिंग था कि ये खालिदा जिया जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ यू उनकी नो जो काफी उस टाइम से करीबी थी, नजदीकी थी बीएनपी की। या सो दिस वाज बिकॉज़ यू नो हस्बैंड वाज इन द मिलिट्री एंड यू नो सो दे दैट काइंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो देयर वाज ऑल दिस यू नो ऑल दिस गोइंग ऑन इन द रिलेशनशिप, दैट शेख हसीना नोज के हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं, ठीक है, तो इसीलिए वी वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर, एंड वी वर हमने कहा कि चलो अगर चाइना से भी आपका है तो ठीक है, इट्स फाइन, बट यू हैव टू जो हमारी जो सेंसिटिविटीज हैं वो उनको आप नज़र में रखते चलिए। आई थिंक दिस वॉज एन अंडरस्टैंडिंग दैट यानी वी कि गेव। हमने अपने, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि सारे एग्स एक ही बास्केट में रख दिए शेख जी अवामी लीग जी की, और हमने बांग्लादेश का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, जो उनके एकेडमिक्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको हमने सिरे से नजरअंदाज कर दिया। अगर हमने उन पर ध्यान दिया होता तो ये स्थिति नहीं आई होती। और ये और जगहों के बारे में भी सच है, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं। तालिबान हाँ मैं जब अफगानिस्तान में जब टेक ओवर हुआ तो हमने लोगों को वीजा नहीं दिए, वो हमारे अपने लोग थे, हमारे साथ खड़े हुए थे अफगान। मतलब अफगानिस्तान में आप देखें तो अगर आप काबुल आज भी जाएं तो आप, मैं गई थी 2022 में काबुल, और जब जब भी मैं कहती थी इंडिया, और लोग पहचान भी जाते थे आप इंडिया से, जब मैं कहती थी हाँ, तो बिल्कुल इतना इतने प्यार से, मतलब इतने इमोशनल इमोशन से वो मुझे ग्रीट करते थे कि नहीं आप आइसक्रीम खाएं, आप ये करें वो करें, मतलब इट वाज जस्ट सो ओवरवेलमिंग दैट लव, एंड देन दे विल से पर यू नो आपने वीज़ा हमारे बंद कर दिए, ये क्या बात हुई, हम तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, वो भी इतना मुश्किल हो गया, शायद अभी देते हैं कोई मेडिकल वीज़ा देते हैं, पर जो स्टूडेंट्स एक पूरा अफगान स्टूडेंट का तबका था वो तो हमने शट आउट ही कर दिया कि आपको आप नहीं आ सकते। तो ये बहुत मतलब हमने उनके साथ आई थिंक वी हैव डन बहुत ज्यादती की है उनके साथ, और हमें नहीं करना चाहिए था ये मैं कि एक मसले पर और आऊंगा निरुपमा, क्योंकि आप खुद कोलंबो और इस्लामाबाद में रह चुकी हैं लंबे समय तक। आप देखें कि धीरे धीरे हमारी जो मीडिया ने, जिसे हम कोट अनकोट राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं, उसने अपनी प्रेजेंस साउथ एशिया से पूरी तरह खींच ली है। शायद एक आध जगह छोड़कर, हिंदू की कॉरेस्पॉन्डेंट है कोलंबो में मीरा, और एक इन हमारी कोई उपस्थिति नहीं है, हमारे नहीं पत्रकार देशों में नहीं है। एज इफ न सिर्फ सरकार ने, हमारे मीडिया हाउसेस ने भी इन देशों को एकदम अबेंड त्याग दिया है। इसका क्या प्रभाव हाँ पड़ रहा है संबंधों पर? ये एब्सोल्युटली ठीक कहा आपने कि कॉस्ट को देखे ना, एक तरफ मुझे एक तरफ से मुझे तो लगता है कि आई मीन व्हेन व्हेन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जब उनको मतलब जब उनके पास था पैसा उसी टाइम से उन्होंने बंद कर दिया था। अब तो कोविड के बाद ठीक है, मैं समझती हूँ कि इतना पैसा किसी के पास नहीं है, एडवर्टाइजिंग बंद है, पर ये जो ट्रेंड है ये तो 2000 में शुरू हो गया था, एट अ टाइम जब इंडियन इकोनॉमी बूम इकॉनमी कर रही थी, मीडिया बूम बूम कर था रही उस थी। समय 2000 में तो। जी हाँ, और जो पोस्ट प्राइवेटाइजेशन का था वो इतना बूम था,
आप कह सकते हैं टीवी का भी था उस टाइम, टीवी भी उसी टाइम उभर के आ गया, चैनल्स आ गए इतनी सारी, तो उन एड्स उनके टीवी पे चल टीवी के टीवी चैनल्स पे चले गए, तो न्यूज़पेपर्स के पास नहीं रहे। पर मिड 90s से एक कटबैक शुरू हो गया था कि यू नो ऑल ये जो हमारे जो हैं ये बहुत वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, वो करते क्या है वहाँ पे, वहाँ के अखबारों को पढ़ के वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये पर्टिकुलरली ट्रू जो अमेरिका में कॉरेस्पॉन्डेंट थे या यूरोप में थे, उनको बंद कर दिया। अब अमेरिका में है चिदानंद राजगट्टा जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिखते हैं, फिल्म में लिखते हैं, और प्रशांत झा हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स में लिखते हैं। पर जो नेबरहुड है वो सिर्फ हिंदू का था कि हर नेबरहुड कैपिटल में एक कॉरेस्पॉन्डेंट वो रखते ही रखते थे। पर पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से वो पाकिस्तान द अदर प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने भी ना कर दिया, तो वहाँ से हट गए। एक अभी श्रीलंका में है, बांग्लादेश में नहीं है कोई, नेपाल में नहीं है कोई, और अफगानिस्तान थोड़ा मुश्किल है तो वहाँ पे नहीं है कोई। और जो कोलंबो कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे वो ही कवर करते थे मालदीव्स को भी। अब को पीटीआई ने भी यू नो पीटीआई अपने करस्पॉन्डेंट्स होते थे पीटीआई के भी, और उन्होंने भी कट ऑफ कर दिया। अब स्ट्रिंगर्स होते हैं उनके हर जगह, तो जो ऐसी भी स्थिति फाइट में हम करते साउथ हैं। एशिया को समझेंगे कैसे? हमारे पास साउथ एशिया को समझने के टूल्स भी कम होते जा रहे हैं, हमारे पास यानी कि भारत के पास। हमारे पास जो मुख्य इस समय है वो डिप्लोमेट्स हैं, जो रिटायर्ड अम्बेसडर्स हैं, वही हैं गिने चुने जो कि उनके बारे में थोड़ा सा हमें हमें हमसे बात कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। और जब कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते थे तो वो दोनों तरफ को जान जान सकते थे, मतलब उनका एक इंटरेक्शन होता था इंडियन हाई कमीशन के थ्रू, इंडियन जो इंडियन स्टैंड पॉइंट है वो भी वो समझते थे, और जो वहाँ का ग्राउंड सिचुएशन है उसको भी मतलब अगर वो आई आई डोंट नो इफ एवरीबडी डिड इट, बट मतलब जिनको जिनके पास एक इंक्लिनेशन था वो घुस जाते थे, मतलब इन द मेन स्ट्रीम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटी और सोसाइटी टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मतलब कि अगर कोई मूवमेंट हुआ तो बिल्कुल वो मूवमेंट को जानने के लिए वो करस्पॉन्डेंट का बनता था कि वो बिल्कुल ही उसमें घुस जाए और उसको समझ लें और उसके बारे में सही सही डिस्पैचेस भेजते रहें। इससे फॉर इंस्टेंस इन इन पाकिस्तान इफ यू सी जो मैं पाकिस्तान में कर सकती थी व्हेन मुशर्रफ वाज इन पावर, वहाँ पे जो लॉयर्स मूवमेंट चला, तो मैं लॉयर्स मूवमेंट में आई वाज आई मीन आई वाज एवरी डे आई वाज कवरिंग इट, लाइक आई वाज देयर इन द लॉन्ग मार्चेस, आई वुड गो विद देम ऑन द प्रोटेस्ट, मतलब एज अ पर्सन कवरिंग इट। एंड आई फील दैट आई इवन डिड द इंडियन इंडियन गवर्नमेंट सम सर्विस देयर, बिकॉज आई वॉज एबल टू डू वॉट दे कुड नॉट डू, नन ऑफ देयर पीपल कुड एक्चुअली कवर दोज थिंग्स, बिकॉज वहाँ पे तो एक होता है ना कि सर्वेलेंस करते रहते हैं वहाँ पे, तो जो यू नो जो इंडियन ऑफिशियल्स जो एक एक तरह से वो ठीक तरह वो जान नहीं पाए, वो आई वॉज एबल टू कवर इट लाइक ब्लैंकेट कवरेज आई वॉज गिविंग। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही हैं निरुपमा, प्लीज इसको एक्सप्लेन करिए। जी, कि आपकी उपस्थिति ने कैसे भारत और पाकिस्तान को नजदीक लाई, उनके बीच के कुछ डाउट्स दूर करने में मदद करी, कुछ इंस्टेंसेस देके समझाइए हमें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर मेकिंग। नो सो इन द सेंस दैट आई वाज यू नो जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ अ नॉन नॉन स्टेट, बीइंग अ नॉन स्टेट एक्टर इन पाकिस्तान, वही बहुत बड़ी बात। नॉन जी स्टेट जी एक्टर इन पाकिस्तान कैन डू कैन मेक सो मैनी फ्रेंड्स, कैन यू नो विदाउट एनी फियर के ये कोई इसका कोई एजेंडा है, सिवाय मतलब जर्नलिज्म का, ये भी एक एक बहुत बड़ी वहाँ के लिए वहाँ एक आउटरीच होता है, ठीक है। एंड पीपल वर ओपन विद मी, पीपल वर नहीं, ऑफिशियल पाकिस्तान वॉज नॉट ओपन, ऑफिशियल पाकिस्तान वॉज नॉट ओपन, बट दिस वॉज अ ग्रेट एवेन्यू टू हैव एन इंडिप
टू हैव एन इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग. जिस तरह से मैं गई वहाँ पे पाकिस्तान में, जो मैं आई कैन टेल यू, जब मैंने फ्लाइट लिया दिल्ली से टू इस्लामाबाद, मेरे माइंड में हज़ार फियर्स थे. मतलब क्या होगा मेरे साथ, कैसे लोग नजर आएंगे, विल आई बी शन, मैं कुछ कर भी पाऊंगी वहाँ पे, क्या होगा. बट आई फाउंड टू द कंट्री दैट आई मेड सो मैनी फ्रेंड्स हु वर यू नो हु वर ईगर टू हेल्प मी. एंड आई वाज आई एम इवन टुडे आई एम बिहोल्डर टू देम कि वो मैं जो मेरा जर्नलिज्म था वो मैं उनके उनके सपोर्ट से मैं कर पाई. बट यू नो आई वाज आल्सो एबल टू सी इन द वर्स्ट टाइम्स जो पाकिस्तान इंडिया के टेंशन थे, जैसे मुंबई अटैक के बाद, आई कुड राइट ऑन अदर थिंग्स. 2008 नवंबर के बाद जो I could actually write about other things to show that in India and Pakistan were not completely, you know, irreconcilable. I mean, yeah, bahut dushmani hai usme, and there are many issues to be resolved. Even people to people, there are many issues to be resolved. Kashmir to ek bahut bada hi mudda hai. But jo us time even Indian government ne aur Pakistani government ne jo trade Kashmir, इंट्रा कश्मीर ट्रेड शुरू किया अक्रॉस द एलओसी, वो क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, ऑल दैट आई वाज एबल टू ब्रिंग अ सेपरेट पर्सपेक्टिव टू दैट. आई वाज एबल टू ब्रिंग अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द साइड ऑफ द कश्मीरी ट्रेडर्स इन हु आर बेस्ड इन रावलपिंडी बट हु आर बेसिकली कश्मीरी ऑन द अदर साइड, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ के लोग हैं. तो उनका जो था कि बैंकिंग की कोई प्रॉब्लम्स थी उनकी, और जो नेगेटिव लिस्ट था उसमें प्रॉब्लम्स है, ऑल दिस आई वाज एबल टू राइट. कि कैसे उन्होंने, आपने सुना होगा पाकिस्तानी एक बहुत मशहूर, जैसे हमारे यहाँ हुसैन है वहाँ के सादिकैन है, तो उनका सादिकैन का एक लाहौर म्यूजियम में, क्या नाम बताया आपने, सादिकैन, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो का है वो मेरे से ठीक प्रोनाउंस नहीं होता, SADEQUAIN सादिकैन. एंड उन्होंने एक लाहौर म्यूजियम में एक सीलिंग का म्यूरल बनाया हुआ है बहुत बड़ा, मतलब सीलिंग में चलता है वो. एज सून एज यू एंटर लाहौर म्यूजियम, वो अगर आप ऊपर देखें तो एक म्यूरल है उनका, और वो थोड़ा सा गिर रहा था उसका प्लास्टर वास्टर. तो उस टाइम उन्होंने इंडियन आर्टिस्ट थे, जो कंजर्वेशन आर्टिस्ट थे, वो आए हुए थे इन 2008 में हुए थे ना अटैक्स, नहीं 2008 में हुए थे अटैक्स मुंबई के, ये लोग 2009 में आके उसको रिस्टोर कर रहे थे उस म्यूरल को. दीज टू पीपल हु हैड कम फ्रॉम इंडिया, दे वर रिस्टोरिंग. आई डिड अ स्टोरी ऑन दिस, ऑफ कोर्स आई गॉट वेरी बैड रिएक्शंस कि देखो इंडिया पाकिस्तान में इतनी हॉस्टिलिटी चल रही है एंड ये लिख रही हैं आर्ट पे. मैंने म्यूजिक पे भी लिखा था. क्या आपको इंडियन प्रेजेंस थी वहाँ डिप्लोमेटिक, उनसे कभी कुछ झड़क इत्यादि सुनने को मिलती थी? डिड दे ऑब्जेक्ट टू इट कि आप ऐसा क्यों लिख रही हैं? वहाँ जो हमारा हाई कमिश्नर था उसने, मैंने पूछा कि मैंने पूछा कि जब आप वहाँ लिख रही थी तो क्या कभी ऐसा हुआ कि वहाँ जो हमारी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है हमारी, क्या हमारे डिप्लोमेट्स भारतीय, क्या वे कभी आपत्ति दर्ज करते थे कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आप खराब समय इतना चल रहा है और आप ये लिख रही हैं? नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं था. नहीं, उनकी तरफ से नो प्रेशर फ्रॉम देम एट ऑल. दे वर वेरी सपोर्टिव. इनफैक्ट जब मेरे साथ एक दो इंसिडेंट्स हुई तो इनफैक्ट दे वर वेरी सपोर्टिव. But yeah, it was a good relationship. That's what I'm saying. Okay, you understand them also, and you are able to understand this society also, and somehow find a good way to present both things in an independent way. अब क्या होता है कि आप wait करते हो, जैसे हमारे television के जो लोग हैं वो wait करते हैं कि ये जो है ये इंसिडेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं,
इस पे बात करो आज, ये आपके पैनलिस्ट होंगे, इनको बुलाओ, ये वाला स्टैंड होगा और ये सारा कुछ. सो देर इज दिस काइंड ऑफ एक थोड़ा सा एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंसस जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी नोम चॉम्स्की का. आई एम सॉरी टू टेक दिस नेम अगेन फॉर द सेकंड टाइम, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट. तो ये जो है ये बहुत चलता है हमारे मीडिया में आजकल. सो एवरीबडी टेक्स वन लाइन, एवरीबडी डज वन स्टोरी. देर इज नो अटेम्प्ट टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड, नो अटेम्प्ट टू जॉइन द डॉट्स, नथिंग ऑफ ऑल दैट. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी ड्रॉप द बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम. मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे. साउथ एशिया एक बड़ा रोमांटिक टर्म हुआ करता था, दक्षिण एशिया. उसमें हमने सार्क जैसे संगठन के जरिए भारत की खासकर ये आकांक्षा हुआ करती थी कि पूरे इस इलाके को एक साथ अपने साथ ले आए. क्या वो रोमांस पूरा हो चुका है? क्या साउथ एशिया का जो भी कंसेप्ट था, जियोपॉलिटिकल, कल्चरल, क्या एकदम ढलान पर है? क्या बगैर पाकिस्तान को लाए, क्योंकि हम जानते हैं सार्क के अवसान की, सार्क के ढलान की एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान, सार्क बिकेम होस्टेज टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स. तो क्या बगैर पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लाए हम सार्क को रिवाइव कर सकते हैं? क्या साउथ एशिया का भविष्य क्या है? आप क्या किस तरह देखते हैं आखिर एज अ जियोपॉलिटिकल? अगर साउथ एशिया में इंडिया ने बिग बॉस प्ले करना है तो वो पॉसिबल नहीं है. उस तरह से साउथ एशिया ख़त्म हो चुका है. अगर आप कहते हो फॉर मिनट लीविंग पाकिस्तान असाइड, सब साउथ एशियन कंट्रीज से आप कहते हो कि मेरे साथ चलो, ठीक है, मुझे लॉयल्टी दिखाओ, ठीक है, अपनी लॉयल्टी मेरे, आप मेरे साथ रखो, तो ये पॉसिबल नहीं है. जो अगर ये स्टेटिस्ट साउथ एशिया है, बट मुझे लगता है जो पीपल जो है साउथ एशियन पीपल, एक आइडिया है अभी तक, वो जिंदा है, वो पाकिस्तान इंडिया में भी जिंदा है, एंड इट हैज़ बीन हेल्प बाय सोशल मीडिया आल्सो. वो श्रीलंका इंडिया में भी है, ठीक है, वो बांग्लादेश इंडिया में भी है, नेपाल इंडिया तो बिल्कुल ही, आई मीन इंडिया में दो मिले हुए लोग हैं वो, ठीक है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते नेपाल इंडिया. तो ये सब तरफ से जो एक कंटिन्यूटी है ऑफ लैंग्वेज, पीपल, कल्चर्स एंड सो मेनी थिंग्स, जो हर जगह आप देखोगे. साउथ में आप अगर देखोगे तमिल है, ठीक है, बुद्धिज़्म है. अगर आप ईस्ट में जाते हो तो बंगाली है, बंगाल कल्चर है. अगर आप वेस्ट में देखोगे तो पंजाब है, पंजाब और लाहौर है, जी लाहौर है और अमृतसर है. सो इस सबको आप ख़त्म नहीं कर सकते. जो भी कहता है कि साउथ एशिया इज डेड एंड साउथ एशिया एज अ जियोपॉलिटिकल इज ओनली टॉकिंग अबाउट इट एज अ जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट. एज यू राइट, उस सरकार के सिलसिले से बात, उस आईने से बात हो रही है, जबकि जन आवाम का आईना अभी खुला हुआ है. सरकार या स्टेटिस्ट पर्सपेक्टिव, स्टेटिस्ट का आपकी उसका इन ट्रांसलेशन कर सकते हो बेहतर, पर ये जो स्टेटिस्ट व्यू है कि साउथ एशिया इज मेड ऑफ इंडिया एंड सैटेलाइट्स, ये अगर ये पर्सपेक्टिव है तो देन इट्स डेड, ऑलरेडी डेड. क्योंकि लोग जो साउथ एशिया के लोग हैं, उनको दे वांट टू बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज इकोनमी, दे वांट टू बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज मेनी अदर थिंग्स, जो यू नो, जो वट एवर दी ऑफरिंग्स आर, कल्चरल और एक्सपीरियंस विद डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जो भी है. पर अगर ये डिपेंडेंट है कि आप मुझे लॉयल्टी दिखाओ, देन देर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है. बट आई थिंक एज आई सेड, सोशल मीडिया हैज इनेबल्ड सो मेनी कनेक्शंस दैट यू डोंट रियली नाउ नीड स्टेट्स टू मॉनिटर कि हम वीज़ा देंगे, आप जाओगे वहाँ पे, या उनको हम वीज़ा देंगे, वो यहाँ पे आएंगे. ये सब थोड़ा सा इररेलेवेंट हो गया है फॉर पीपल टू पीपल कनेक्ट. इतना ज़्यादा पीपल टू पीपल कनेक्ट है सिविल सोसाइटी में, जर्नलिस्ट में,
और यू नो इन एवरी अदर वे. एंड टूरिज्म तो होता ही है वहाँ से इन फ्रॉम दीज कंट्रीज, बट दैट इज़ अ आई वुड से दैट इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ ऑफ दैट पीपल टू पीपल कनेक्ट. आई थिंक देर इज़ अ ओवर आर्चिंग पीपल टू पीपल कनेक्ट दैट इज दैट स्टिल कीप्स साउथ एशिया एज अलाइव एंड किकिंग. दैट स्टिल बिलीव्स इन दैट. बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा, मेरे ख्याल से हम बड़े अच्छे नोट पर आ रहे हैं और अब ये दो या तीन चीज़ें मेरे ख्याल से हम इसे कंक्लूजन के तौर पर ले सकते हैं कि भारत को आगे कौन सा रास्ता अख्तियार करना है. भारत को ये भी सोचना है कि किस तरह से उसने एक ऐसे देश को जिसका जन्म उसने कराया बांग्लादेश, उसी देश में वो सबसे हेटेड कैसे कंट्री वो बन गया. और भारत को ये भी सोचना है कि जब स्टेटिस्ट व्यू, जब जियोपॉलिटिकल अगर व्यू नहीं काम कर पा रहा तो कैसे उसे एक सांस्कृतिक एक यूनिटी उसे पूरे साउथ एशिया में प्रस्तुत करनी है. ये मेरे ख्याल से समूचे भारत के लिए प्रश्न है. अगर हमें साउथ एशिया का अगर उसके अगर हमारे कहीं भी साउथ एशिया में कुछ हमारे हित हैं तो ये हमारे लिए प्रश्न है. तो बहुत बहुत कहूंगी ये वो वाला कल्चरल यूनिटी नहीं है जो अखंड भारत वाला है, वो नहीं. हाँ नहीं एकदम नहीं है. नहीं 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 अखंड भारत वाला तो उसके विरोध में खड़ा हुआ वो है. कम क्लियर कर देते हैं. वो तो एकदम अलग है. ये वो यूनिटी है जैसे आपने बड़ी खूबसूरत कही कि श्रीलंका के साथ तमिलनाडु की यूनिटी बहुत ज्यादा है. वो मैं यहाँ दिल्ली में बैठे हुए मेरी नहीं है. पाकिस्तान के साथ अमृतसर की बहुत ज्यादा यूनिटी है, सांस्कृतिक जो यूनिटी है. बड़ी सुंदर बात कही आपने. वही जो है बांग्लादेश के साथ है जो पूरे कलकत्ता और बंगाली बेल्ट की है. वो तो हमें इन छोटी छोटी जो अपनी जो डाइवर्सिटीज हैं उसको भी हमें नरिश करना है. उसी के जरिए हम एक वाइब्रेंट साउथ एशिया का निर्माण शायद हो सकता है कर पाए अगर हम चाहें तो. बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा. और मुझे उम्मीद है जो भी अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा आपकी भूमिका रहेगी उसमें. आपका जो वास्ट बृहद अनुभव है जो इस पूरे क्षेत्र का, ठीक है. बहुत बहुत थैंक यू सो मच.